कोशिश करेंगे भाई कि 3 बजे तक इसको रेडी करेंगे। अरे भारी है भाई, हलीम के गोटे का प्रोसेस जो मैंने ये ब्लेंडर बनाया था, अब इसको टेस्ट करने का टाइम आ गया, ये कितनी देर में इसको जो है वो ब्लेंड करता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक मंगल का बहुत खूबसूरत दिन है, फाइनली वो दिन भी आ गया है कि जब मैं हलीम बना रहा हूँ। बहुत दिनों से रेसिपी पेंडिंग थी, आप लोगों की काफी रिक्वेस्ट थी। अभी जो है वो एग्जैक्टली 11 बज रहे हैं। टास्क जो है ना बड़ा टफ है, मैंने चैलेंज दिया अपने आप कि इसको जल्द से जल्द बनाना है। मेरा ये प्लान है कि मैं तकरीबन इसको 2 बजे तक जो है वो रेडी करना है। मुझे हलीम का जो मैंने मिक्सर बनाया था जिसे घोटा कह लें आप, उसको भी आज टेस्ट करना है, देखते हैं वो किस तरीके से काम करता है। तो क्विकली मैं जो है प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ। मैंने दालें जो है वो भिगो के रखी हुई थी, आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं किस रेशो में है। इसकी जो है मैं वीडियो अटैच कर देता हूँ क्योंकि मैंने रात को भिगोई थी, ओवरनाइट जो है ये सोक हो चुकी है। सर जो है मैंने गंदम लिया हुआ है, हलीम वाला गंदम है, 1 किलो चावल है, तकरीबन 1 पाव के करीब चावल है, ये भी इसमें मिक्स कर देंगे। अच्छा भाई ये तकरीबन 1 पाव जौ का दलिया है, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा भाई ये तकरीबन 1 पाव जो है वो चने की दाल है, ये 1 पाव के करीब जो है मसूर की दाल है, और ये तकरीबन 1/2 किलो के करीब जो है वो माश की दाल है। माश की दाल ज़्यादा यूज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई इससे लेस जो है बहुत अच्छा बनता है। तो टोटल ये दालें और गंदम जितना भी है मिला के 2.5 किलो हो गया है। तो इसको अच्छी तरीके से पहले वॉश करेंगे। चलो भाई क्विकली जो है वो अभी दालें चढ़ा देते हैं, मैं जरा गैस ऑन कर लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज नज़र तो आएगी नहीं क्योंकि दिन हो रहा है। ये पतीला है वो बड़ा ले लिया मैंने, इसको इसमें रख देते हैं। दालें जो ओवरनाइट सोक की थी ये तकरीबन 2.5 किलो के करीब है। आई होप के भाई अच्छे तरीके से हो गई होंगी। कितना इसको टाइम लग गया होगा? तकरीबन हमने 11 बजे भिगोई थी। अच्छा भाई कुछ माल मसाला मैं अपने बेगम की जो है रेसिपी पे शामिल कर रहा हूँ, मैं नहीं करता था, जरा बताइए क्यों शामिल कर रही हैं? ये मैंने एडिशनल किया है इसके अंदर क्योंकि इससे जायका और अच्छा निकलता है। अच्छा भाई इसमें हल्दी है तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून होंगे, और 4-5 जो है मोटी वाली मिर्चें हैं, तेजपात है, क्या है ये दालचीनी है, डाल दूँ इसको? चलो भाई ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। इसको जो है हमने बॉयल देना है तेज आँच पे, उसके बाद इसकी आँच कम करेंगे। अच्छा भाई वो पानी कम था, पानी इसमें हम और डाल देते हैं अपना पकता रहे, और फिर हमें दूसरा प्रोसेस स्टार्ट करना है कोरबा चढ़ाना है। तो भाई इसको आप ढक देते हैं। अच्छा भाई दोस्तों मैं अपने बैकयार्ड में आ गया हूँ, यहाँ पे कोरमे को जो है वो बनाएंगे। ये चूल्हा जो है वो यहाँ मौजूद है, चूल्हे को रखते थे। अच्छा भाई काफ़ी सारी मेरे पास स्क्रैप वुड मौजूद है मेरे प्रोजेक्टों की बची हुई, वो वहाँ पे उसको इस्तेमाल करूँगा मैं। तो फटाफट भाई मैं पहले लकड़ियाँ जलाता हूँ। चलो अभी फाइनली लकड़ियाँ जल गई हैं, मैं देख लाके इस पर रख देता हूँ। अच्छा भाई दोस्तों सीन ये हुआ है कि भाई 12 तो ये बज गए और कोरमा अभी तक जो है वो नहीं चढ़ा है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है लेट हो जाएगा, और देखते हैं देख खुश हो गई कि नहीं। हाँ भाई देख भी जो है वो खुश हो चुकी है, तो मैं फटाफट इसमें ऑयल डाल देता हूँ। ये आ गया भाई हमारा ऑयल। अच्छा ऑयल में ज़्यादा इस्तेमाल ही करूँगा, उसकी वजह ये कि मैंने तकरीबन 3.5 किलो के करीब गोश्त है, उसमें 1.5 पाव के करीब जो है वो है चर्बी, तो चर्बी वाला गोश्त है, तो बाकी जो कसर वो चर्बी पूरी कर देगी। मेरे ख्याल में ऑयल गर्म हो गया होगा, तो प्याज 1 किलो के करीब ली हुई है, तो प्याज भी इसमें शामिल कर देते हैं। चलो भाई प्याज के फ्राई होने का इंतजार करते हैं, फिर नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलेंगे। चलो भाई प्याज तो ब्राउन हो चुके हैं, जल्दी से फटाफट लहसुन अदरक डाल देते हैं, 4 टेबल स्पून है। फटाफट जो है ना फिर प्याज भी जल्दी ब्राउन होती है, काफ़ी देर से देख रहा था मैं, हो नहीं रही थी, एकदम अचानक से ब्राउन हो गई। चलो मैं जरा बेगम से ही मशवरा करते रहते हैं, कैमरा पकड़िए भाई, क्या करें, गोश्त डाल दे? गोश्त डाल दे ताकि थोड़ा सा गोश्त का पानी भी खुश्क हो जाए ना। चलो गोश्त तकरीबन 3.5 किलो है, चर्बी भी है इसमें। बिल्कुल इसकी अपनी जो चर्बी होती है ना उसका टेस्ट ही अलग आता है। भाई क्या करें, असल में प्रोसेस बड़ा लेटी होता है, मैं जरा इससे अवॉइड कर रहा था, भाग रहा था। फाइनली मैंने कहा नहीं यार, एक तो कमेंट्स में भी बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी, फिर आपने काफ़ी दिनों से बोला था भाई हलीम बनाए, चाह रहे खाने का। वैसे तो भाई चूल्हे पे हलीम बना सकते हैं, बट जो देख के हलीम की बात होती है ना भाई, बात ही कुछ और है। और दूसरा देख भाई ला के रखी हुई थी हमने, हाँ वो जाहिर सी बात है घर में चीज़ मौजूद हो फिर उस पर ना बनाइए तो ज्यादती वाली बात है। मगर मेरा जो ये प्रोसेस है ना ये इंजॉयबल प्रोसेस है, खास तौर पे मिल बैठ के जो है वो काम हो शेयरिंग के साथ। अच्छे मेरे ख्याल से गोश्त थोड़ा फ्राई हो चुका है, देखें जरा आप। हाँ, पानी और गोश्त का खुश हो गया, अब मसाला ऐड करना है।
अच्छा, दो चमचे जो है वो सब खाने के चमचे, दो चमचे कुटी हुई मिर्च है, दो चमचे पिसी हुई मिर्च है, चार चम्मच धनिया है, चार चम्मच हल्दी है, चार चम्मच नमक और चार चम्मच गरम मसाला है। ये इसमें इसको चलो भाई, इसे पानी डाल देते थोड़ा सा, रोज ही धूप निकल रही थी, आज हमने प्रोसेस स्टार्ट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मौसम भी बड़ा अच्छा है। मजीद में पानी ले आया हूँ, इसको ऐड कर देते हैं। इसको गलने के लिए छोड़ना है, आई थिंक दो घंटे तो लगेंगे ना, आप क्या कहती हैं? आयरा भी जो है वो स्कूल से आ गई है वापस, एक बच चुका है ऊपर की तरह पोजीशन देख लिया। दालें जो है वो हमारी स्टिल गल रही है, पानी कम रह गया अभी थोड़ा सा, आधा हो गया पानी तो पक्के। तो ये मैंने कितने बजे चढ़ाया था, तकरीबन 11 बजे मैंने चढ़ाया था, दो घंटे तो हो गए, तो उसकी तरफ से टेंशन नहीं है, बस गोश्त गलने की बारी है। गोश्त गलेगा तो फिर प्रोसेस समझ लें हमारा 80% कंप्लीट हो जाएगा। अहमद यहाँ पे मौजूद है। अहमद अस्सलाम वालेकुम। खाना बन रहा है आपके लिए, अनीम बन रहा है अहमद के लिए। अच्छा भाई, इसको तकरीबन एक घंटा हो गया, तो अभी पानी इसका काफी खुश्क हो गया था, मैंने एक पतीली में पानी और ऐड किया है। आँच आप देख सकते हैं भाई, माशाल्लाह भरपूर आँच है। उम्मीद है कि 2-2:15 बजे तक जो है वो ये गल जाएगा। कोशिश करेंगे भाई कि 3 बजे तक इसको रेडी करें। अच्छा भाई दोस्तों, तकरीबन जो है वो 2 घंटे हो गए गोश्त गलते हुए, अभी 2:30 बज रहे हैं। अभी मैं थोड़ी देर में चेक करूंगा, असल में लग गई है भूख क्योंकि हो गया खाने का टाइम। भाई एप्पल मेरे पास रखा हुआ था तो एप्पल से जो है थोड़ी सी भूख मिटाते हैं। आयरा जो है वो आ गई है। अस्सलाम वालेकुम आयरा। इधर आओ करीब आओ। ये बताओ आज आपके लिए क्या बन रहा है, बताओ, गैस करो क्या बन रहा है, नहीं समझ में आ रहा। तो आज हम आयरे के लिए हलीम बना रहे हैं, आप देखिएगा इंशाल्लाह टेस्टी होगा, सही है, आप ट्राई करिएगा। तो अभी जो है वो थोड़ा सा वो एप्पल खाते हैं। अभी खाऊंगा। अच्छा भाई दोस्तों, अभी हम ऊपर आ गए दाल चेक करने के लिए, और भाई फातिमा भी जो है उठ चुकी है। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। यहाँ पे हमारी मिसेस जो है वो चेक करेंगी दालें। तुमने 11 बजे चढ़ाई थी, अब तक गल जानी चाहिए। असल में हवा भी बहुत तेज चल रही है ना, चूल्हा है ना ये, असल में बार बार इसकी आंच उड़ रही है, थोड़ी थोड़ी जा रही है। देखिए मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट ये गल चुकी है। चने की दाल है ये, देखा सॉफ्ट हो गई, बिल्कुल सॉफ्ट है। और गंदम, गंदम भी देखा सॉफ्ट है। चलो भाई रेडी है ये, रेडी है, चले हम इसको मिक्स करते हैं। चलो मैं कोरमे को चेक करते हैं क्या पोजीशन है। भाई 2 घंटे बाद ये खुला है और इसकी ये पोजीशन है, जरा देखते हैं 2 घंटे में कितना गोश्त बढ़ा है। बिल्कुल हलवा हो चुका है गोश्त, ये देखें माशाल्लाह पूरा हलवा हो गया, हमारा गल चुका है। बस इसको जो है ना मिक्सिंग करें और इसको ग्राइंड करें, बहुत भूख लग रही है। पानी कुछ करना है क्या, रोगन उबाल लाना है? थोड़ा सा कुछ और कर लेते हैं, थोड़ा कुछ करके रोगन उबाल आ जाएगा ना इसका। ठीक है, चलो दोस्तों इसको बंद करते हैं क्योंकि दालें गल चुकी हैं, और इसको अब लेके जाना है नीचे। भारी होगा भाई ये, तो लेके नीचे लेके जाना है, इतिहास से लेके जाना पड़ेगा। अरे भारी है भाई, ये जरा मुश्किल काम है, पतीला फुल गर्म है, मेहनत में ही अजमत है, फुल भारी भी हो रहा है। चलो भाई चलो, चलो भाई फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह भाई खैरियत से आगे नीचे ये। अच्छा भाई दोस्तों 2:45 हो गए, और अभी सीन ये है कि भूख जोरों पे लग रही है, इसको जरा मैं खुश कर रहा हूँ पानी को ताकि इसको रोगन आ जाए। मेरे ख्याल में रोगन आ गया, देखिए साइड पे काफी रोगन आ गया, और मसाला भी देखो काफी ठीक हो गया इसका। तो भाई अब टाइम आ गया इसको मिक्सिंग करने का, इसको मिक्स करते हैं। ये मेरा मुश्किल पार्ट है, एहतियात से करना है। बिस्मिल्लाह, चलो भाई अब जरा इसको मिक्स कर लेते हैं। चलो भाई अब कोरमे और दालों का कॉम्बिनेशन देखते हैं भाई क्या रंग लेके आता है, और इंशाल्लाह कोई बेहतरीन रंग लेके आएगा।
भाई इस चमचे से बड़ा फायदा है, एक तो ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ती क्योंकि इसका हैंडल बड़ा है ना, इतने तरीके से जो वो चम्मच चल रहा है क्योंकि अब जो है वो उस पर लोड पड़ गया है। कलर तो अभी इसी अच्छा आने लग गया, माशाल्लाह माशाल्लाह भी कलर अच्छा आ गया। बाकी अब जो इसमें गरम मसाले के नमक की जो उसमें गुंजाइश होगी वो इंशाल्लाह टेस्ट कर करके उसको ऐड करते रहेंगे। चले भाई अब आ गई है असल बारी जिसका था इंतजार, जो मैंने गोटे की जगह एक ब्लेंडर बनाया था हलीम को ब्लेंड करने के लिए, प्रोसेस को क्विक करने के लिए, अब उसकी टेस्टिंग की बारी आ गई है तो उसको ले आते हैं और उसको ब्लेंड करते हैं। ब्लेंडर को टेस्ट करना है ये कैसे काम करता है, तो ड्रिल में मैं इसको पकड़ लूंगा भाई और टाइट कर लूँगा अच्छे तरीके से। चले भाई देखते हैं भाई क्या होता है, फर्स्ट एक्सपीरियंस कर रहे हैं। चलिए दोस्तों फाइनली वो टाइम आ गया है कि जब हलीम के गोटे का प्रोसेस जो मैंने ये ब्लेंडर बनाया था अब इसको टेस्ट करने का टाइम आ गया कि ये कितनी देर में इसको जो है वो ब्लेंड करता है। आई होप कि बहुत जो है क्विकली करेगा। चलिए भाई बिस्मिल्लाह करते हैं, चम्मच को निकाल लूँ मैं। चलो भाई इसको स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई ये तो बड़े आराम से हो रहा है, बिल्कुल भी लोड नहीं पड़ रहा, तो जरा आप जरा इसको क्विकली करके देखते हैं। अच्छा मैं इसको स्लो स्पीड पे चला रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड कर रहा है इसको ये। बहुत जबरदस्त है भाई, इसको जरा मैं 5 मिनट अच्छी तरीके से ब्लेंड करता हूँ, फिर आपको 5 मिनट बाद इसकी सिचुएशन दिखाते हैं। अच्छा भाई दोस्तों तकरीबन 7 से 8 मिनट मैंने इसको ब्लेंड किया है, तो थोड़ा सा इसमें रेशा तो आना शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं बोटियाँ जो है ऑलमोस्ट सारी ब्लेंड हो गई हैं। थोड़ा थोड़ा जो है मुझे इसमें गंदुम अभी नज़र आ रहा है, गंदुम में कसर बाकी है। पहले जो लकड़ी का गोटा बनाया था अब इसकी तो ज़रूरत नहीं है, तो इसको ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा भाई दोस्तों मैंने जो पहले 7 से 8 मिनट इसको मैंने बीट किया था ना, वो मैंने हल्की स्पीड पे किया था तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो अब मैंने इसकी स्पीड ड्रिल की फुल कर दी और बेहतरीन तरीके से जो बहुत जल्दी अब जो है ये पिस रहा है। इधर आए ज़रा करीब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, स्पीड आप चेक करें, बहुत तेज स्पीड पर इसको ब्लेंड कर रहा हूँ। और अब आप ये पोजीशन देखें इसकी, ज़रा करीब आप दिखाएं ज़रा कैसा लेस आ रहा है, ये आप देखें भाई माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बेहतरीन लेस आ रहा है। और तकरीबन जो है वो सारी चीज़ें गल चुकी हैं, ये देखें आप। और जब मैंने इसको फुल स्पीड पे ब्लेंड किया ना तो तकरीबन मुझे 3 से 4 मिनट लगे और बेहतरीन ये ब्लेंड हो गया, तो अभी मैं एहतियातन इसको 2 से 3 मिनट मज़ीद ब्लेंड करूँगा, फिर हमारी हलीम रेडी है। चार बज चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हलीम जो है वो हमारा रेडी है। अभी इसके कलर और इसकी पोजीशन मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये आप देखें भाई माशाल्लाह क्या खूबसूरत कलर आया है हलीम का, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह बेहतरीन कलर आया है। और ये देखें भाई हर चीज़ जो है वो उसकी गल चुकी है, क्या रेशा बनाया भाई, क्या रेशे की तरह गिर रहा है। मैं चमचे में भी आपको दिखाता हूँ, ये देखें भाई ये इसका गड़ास चेक करें पहले आप हलीम की, और बिल्कुल हर चीज़ जो है वो पिस चुकी है, ये चेक करें भाई क्या माशाल्लाह माशाल्लाह बेहतरीन रेशा बना है हलीम का भाई, ये चेक है, ये रेशे देखे भाई, ये रेशे गिर रहे हैं, ये भाई क्या बात है, ये देखें। अरे भाई फाइनली डिश आउट करने का इसको वक्त आ गया है, और ये स्पेशल भाई हलीम का चमचा इसके लिए लिया हुआ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिखाएं ज़रा हलीम आप चेक कराएं, ये देखें भाई माशाल्लाह भाई माशाल्लाह क्या बेहतरीन रेशा आया है हलीम का। चलो भाई ठंडा हो रहा है इसको निकाल लेते हैं फटाफट, ये आ गया भाई हमारा देगी हलीम गर्मा गर्म, धुआं निकलता हुआ, वाह माशाल्लाह भाई माशाल्लाह।
चले भाई इसको अंदर लेके चलते हैं और इसकी गार्निशिंग आप जो है वो आपको करनी है। चलो भाई ये आ गया हमारा गार्निशिंग का सामान और ये आ गया हमारा हलीम। तो भाई बेगम जरा जल्दी से इसकी गार्निशिंग कर दें आप। जबरदस्त बना हुआ है, स्पाइसेस वगैरह इसके इतने मजे के हैं। आपने तो अभी से रिव्यू दे दिया क्योंकि आपने टेस्ट किया था ना नमक मिर्च, वेरी डिलीशियस। और आपको तो मुझे पता है हलीम बड़ा पसंद है, मुझे बहुत पसंद है हलीम का। हमारी बेगम का तो ये सीन है, ये सीन है कि अभी हलीम खाती है ना तो ये आस्तीने ऊपर करके हलीम खाती है, यानी कि इतने शौक से तैयारी से। तो भाई हट जाओ बस, मैं आप हलीम खा रही हूँ, कोई बीच में ना है। अदरक रह गई, इसमें अदरक डालनी है आपने। अच्छा मैं यही कह रही हूँ किसी चीज़ की कमी लग रही है। ये बेहतरीन जो है वो हलीम की गार्निशिंग हो गई है भाई, माशाल्लाह। अच्छा बहुत से लोग जो है हलीम दही के साथ भी खाते हैं, मैंने बहुत से लोगों को देखा है। सादे चावल से भी खाते हैं, सादे चावल से भी खाते हैं, लेकिन मुझे तो तंदूर की रोटी गरम गरम और हलीम बस भाई। अब इंतजार नहीं हो रहा है, अब जो है वो भाई आप अपने हाथ से जो है वो नींबू भी निचोड़ दें इसमें। माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बेहतरीन कलर आया है। अरे भाई दोस्तों फाइनली भाई अब हलीम खाने का टाइम आ गया है, आपको बता दें कैसा बना है हलीम। और ये देखें भाई आप, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई बेहतरीन गार्निशिंग करी है भाई आपने। थैंक यू सो मच। हलीम निकालते हैं भाई फुल लवाजमात के साथ। ये चेक करें यार आप, ये चेक करें माशाल्लाह, ये देखें भाई माशाल्लाह भाई माशाल्लाह क्या भरपूर लेस है। पहले थोड़ा सा निकालेंगे, बिस्मिल्लाह बरकतुल्लाह। अरे अभी टेस्ट करें अरे भाई बोल रहे भाई। दोस्तों किसी चाट मसाले की ज़रूरत नहीं है, भरपूर माशाल्लाह मसाला है इसमें, बेहतरीन मसाला है, हर चीज़ गरम मसाला और नमक लाल मिर्च सब माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट है। लेस तो आपने देख लिया भाई कैसा बेहतरीन लेस आया है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह जो मेहनत की ना भाई वो वसूल हो गई। मेरा टारगेट ये था कि भाई कम से कम टाइम में बनाना है, और मैंने जो अपना ब्लेंडर बनाया था ना हलीम के गोटे के रिप्लेसमेंट में उसको टेस्ट भी करना था। तो टाइमिंग में आपको बता दूं, हमने स्टार्ट किया था इसको 11 बजे, 11 बजे दालें चढ़ाई थी, 12:30 बजे जो है वो कोरमा चढ़ाया था, बहुत शॉर्ट टाइम था हमारे पास। और हलीम जो है कम्प्लीट रेडी हुआ है अलहमदिल्ला, 4 बजे कम्प्लीट हलीम रेडी था। दालें जो तकरीबन 2:30 बजे तक गली हैं, गोश्त भी 2:30 बजे गला था, यानी कि गोश्त 2 घंटे लिए गलने में, दालों ने 3.5 घंटे गलने में लिए। फिर उसको मिक्स करके मैंने ब्लेंड किया। ब्लेंड करने का मैं आप लोगों को बताऊं, पहले मैं इसको स्लो स्पीड पे ब्लेंड कर रहा था, 7 से 8 मिनट गुजर गए, उसमें बोटियां तो उसमें ब्लेंड हो गई नहीं, पर गंदम के दाने थे ना वो उसमें रहते थे। फिर मैंने उसको हाई स्पीड पे किया, आप यकीन करें मैंने उसको हाई स्पीड पे किया ना मैक्सिमम 3 से 4 मिनट लगे। तो अगर मैं इसको टोटल इवेल्युएट करूँ तो ये जो मैंने ब्लेंडर बनाया ना ये मैक्सिमम मैक्सिमम 7 से 8 मिनट या मैक्सिमम 10 मिनट लेगा इस हलीम को जो है वो ब्लेंड करने में। और हलीम तकरीबन 3.5 किलो गोश्त था और 3 किलो के करीब जो है वो 3 किलो के करीब डाले थी। ये थी आज की वीडियो और ये था हलीम बनाने का प्रोसेस। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक कर दें, और अगर आप इस तरह की वीडियोस और ब्लॉग्स देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। मेरे पैर बहुत चल रहे हैं यार, चप्पल तो दो, चप्पल खुद से पहनी हुई है, मुझे बोले ब्लेंड करो।